Hello and welcome to NCERT Tutorials. Class 10 Geography के chapter Minerals and Energy Resources का ये 6th part है और इस part की theme है Conservation of Resources. So let's start the tutorial. अब तक हम 5 parts cover कर चुके हैं इस chapter के and it is very much clear and evident by now that we must adopt the path of sustainable development और इसके लिए हमें अपने natural resources को conserve करना पड़ेगा जिससे कि फ्यूचर जनरेशंस को वो अवेलेबल हो सके और इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में पहले मिनरल रिसोर्सेज और उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज को टेकअप करेंगे और शुरुआत करते हैं कि हमें मिनरल रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व करना चाहिए. नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. द इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स हैज मेड देम एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आर लाइफ. हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, हैवली डिपेंडेंट हैं मिनरल रिसोर्सेज पे. लेकिन जो फॉर्मेशन होता है मिनरल्स का वो एक बहुत ही स्लो जियोलॉजिकल प्रोसेस है. हम सब पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टाइम इन सब पे नहीं देंगे और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है फॉर्म होने में. हमने कोल को स्टडी किया था, हमने पेट्रोलियम को स्टडी किया था और डिटेल में समझने की कोशिश की थी कि उनका फॉर्मेशन कैसे होता है. तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है उनको दोबारा फॉर्म होने में. जैसे पेट्रोलियम के बारे में हमने स्टडी किया था कि अगर लगभग आज की दशा में अगर छोड़ दिया जाए जो हमारे मैरीन रिसोर्सेज हैं तो लगभग 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ साल के बाद ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो चुके होंगे. तो इतने लंबे अंतराल की वजह से हम ये कह सकते हैं कि दीज आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल हैं और एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमें इन्हें कंजर्व करना चाहिए. क्योंकि हमारा टॉपिक ही है Why do we need to conserve mineral resources? और जब एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे और जब हमारी लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट और इंडिस्पेंसेबल पार्ट हैं ये मिनरल्स, तो बहुत वैल्यूएबल भी है हमारे लिए. तो हम कह सकते हैं कि दे आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल मिनरल डिपॉजिट्स. उन्हें हम शॉर्ट लिव्ड पोजिशंस कह सकते हैं. जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो कुछ दिन हमारे पास रहते हैं या कुछ समय के लिए हमारे पास रहते हैं फिर चले जाते हैं. देयर प्रेजेंस इज शॉर्ट लिव्ड. उसी प्रकार से जो मिनरल्स हैं समझ लीजिए हमारे गेस्ट की तरह हैं और हमें उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उनका ज्यूडिशियस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि दे विल एग्जॉस्ट वन डे, दे आर नॉट फॉर एवर अवेलेबल टू अस. लेकिन हम उनका यूज़ कैसे कर रहे हैं? रेट ऑफ मिनरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इज इनफाइनेटली स्मॉल. अब इनका फॉर्मेशन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद होता है तो हम उनका यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन वो फॉर्म नहीं हो रहे हैं उस रफ्तार से जिस रफ्तार से हम उनका यूज़ कर रहे हैं. मीन्स कि the rate of their consumption is higher than or we can say much much higher than the rate of their reformation. तो ये सारे पॉइंट्स हमने लिए यहाँ पर बुक के सिलेबस के अनुसार कि why should we need to conserve mineral resources because of their importance, their value and they having been our short-lived possessions. अब नेक्स्ट हम इनके मेथड्स पे डिस्कस करेंगे कि how can we conserve them. मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. कंसर्टेड एफर्ट्स आर नीडेड टू यूज़ मिनरल इन अ प्लांट एंड सस्टेनेबल मैनर. तो हमें प्लांट वे में सस्टेनेबल मैनर में मिनरल्स का यूज़ करना चाहिए जिससे कि वो लॉन्गर टाइम तक हमें अवेलेबल हो सकें. इम्प्रूविंग एंड एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा योगदान है. तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं हम बहुत ही इफिशेंटली लो ग्रेड ऑयर्स को भी लो कॉस्ट पर यूजेबल बना सकते हैं और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स के साथ ही साथ जो वेस्टेज होता है माइनिंग के समय उसे भी रिड्यूस कर सकते हैं और प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल्स के समय में भी उसे रिड्यूस कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है कि हम डेवलपमेंट में इफिशेंटली यूज़ कर सकते हैं मिनरल रिसोर्सेज को. इसके अलावा मेटल्स की रिसाइकलिंग हो सकती है, तो जो भी वेस्टेज होता है मेटल्स का उसे मेल्ट करके हम रीयूजेबल बना सकते हैं. जो स्क्रैप्स होते हैं मेटल्स के, मीन्स कि हम मेटल के कोई वर्क के दौरान जो भी बचा खुचा वेस्टेज पार्ट निकलता है उसको स्क्रैप करते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट का यूज़ कर सकते हैं. अब जहाँ पे मेटल की बॉडी चाहिए वहाँ पे हम प्लास्टिक की बॉडी का यूज़ कर सकते हैं. आजकल फाइबर भी बहुत चला हुआ है. तो ये सब क्या है? ये सब मेटल्स पे लोड कम करते हैं. इसके अलावा एक अवेयरनेस और जो विल ऑफ पीपल है, मीन्स लोगों की इच्छा शक्ति भी मजबूत होनी चाहिए कि वो बेटर अल्टरनेटिव्स को ढूंढें. और लोगों का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि यूज़ तो हम ही लोग करते हैं कि वो मिनरल्स को रिप्लेस करने वाले सब्स्टिट्यूट ढूंढें और नॉन मिनरल्स लाइक वुड, प्लास्टिक, ग्लास का इस्तेमाल करें. और ये हो भी रहा है काफ़ी ज़्यादा. उदाहरण के लिए हम बाइक को ही ले लें. अब बाइक या फोर व्हीलर्स को भी लें तो उनकी बॉडी पहले पूरी मेटल की बन के आती थी लेकिन अब उसमें फाइबर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है. तो इस तरह से हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, उन पर लोड कम कर सकते हैं. तो बुक के सिलेबस के अनुसार जो भी पॉइंट्स हम यहाँ पर ले रहे हैं
सो ये तो हो गया कि हाउ कैन वी कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, आप भी इसमें अपने पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं अपने आप। इसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज को टेकअप करते हैं, नीड टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज, वहाँ हमने मिनरल रिसोर्सेज की नीड पर क्यों कंजर्व करना चाहिए ध्यान दिया था, और यहाँ पर हम एनर्जी रिसोर्सेज को टेकअप कर रहे हैं। एनर्जी रिसोर्सेज आर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल एक्टिविटीज़, हर जगह तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी लाइफ का, और चाहे वो कोई भी सेक्टर हो इकोनॉमी का, उसे एनर्जी का इनपुट चाहिए होता है ऑपरेट होने के लिए, चलने के लिए। सिंस इंडिपेंडेंस नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान्स का आपने ज़रूर कहीं ना कहीं जिक्र पढ़ा होगा, तो उनको पूरा करने के लिए इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि वो प्लान कामयाब हो सके। तो एनर्जी की तो आवश्यकता है ही है, इसलिए हमें कंजर्व करना चाहिए। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज स्टेडली राइजिंग, तो जो हमने मिनरल्स के पॉइंट्स में लिया था कि वहाँ पे रेट ऑफ़ फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा रेट ऑफ़ कंजम्पशन है, ठीक वही चीज़ यहाँ भी लागू होती है, रेट ऑफ़ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज स्टेडली राइजिंग। क्यों? क्योंकि देयर इज़ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है फॉसिल फ्यूल से भी और नॉन फॉसिल फ्यूल से भी जनरेट हो सकती है। अब फॉसिल फ्यूल तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, और जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि हमारा इससे पहले पार्ट का टॉपिक था, उससे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, बराबर हमें अवेलेबल होते रहते हैं। तो इस कैपेसिटी के इंस्टॉलेशन पर ध्यान देना चाहिए, और इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, या हम ही कह सकते हैं कि इंडिया वर्ल्ड के लीडर्स में शामिल है जहाँ पर वास्ट एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी जनरेशन थ्रू नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस। और 2030 तक का जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो लगभग 40% जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का आउटपुट होगा वो नॉन फॉसिल फ्यूल से निकल कर आना चाहिए। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, और उसको ऑब्टेंट करने के जो तरीके हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें नॉन फॉसिल फ्यूल्स पे। इसके अलावा इंडिया इज़ प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट इफिशेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए है कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे पास उतनी हाई टेक्नोलॉजी कंपेरेटिवली डेवलप्ड कंट्रीज़ के नहीं है, तो हम जो यूज़ करते हैं एनर्जी का वो इफिशेंट तरीके से नहीं करते। तो कैसे इफिशेंट तरीके से किया जा सकता है, हाउ कैन वी कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज, तो उनके मेथड्स पे कुछ पॉइंट ले लेते हैं। मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नीड्स अर्जेंट अटेंशन, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो पार्ट को देख रहे हैं, तो आप भावी नागरिक हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि हम हाउ कैन वी कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज एंड हेल्प आवर कंट्री अ लीडर इन द वर्ल्ड इन कंजर्विंग एंड इफिशेंटली यूजिंग एनर्जी रिसोर्सेज, और हमें अपना बिट यानी हमसे जो हो सकता है वो करना चाहिए, ये देखे बिना कि सामने वाला या बगल वाला या हमारा पड़ोसी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वी शुड फोकस ऑन आवर ऑन बिट्स, तो वी नीड टू अडॉप्ट अ कॉशस अप्रोच और ज्यूडिशियस यूज़, हमें सावधानीपूर्वक और बहुत ही ज्यूडिशियस यूज़ करना चाहिए जो भी हमारे लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज हैं। आप जानते हैं कि विंड पावर और सोलर पावर में इंडिया काफ़ी रिच है, और हमारे यहाँ जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है एनर्जी जनरेशन में, उसमें विंड पावर नंबर 1 पे है, उसके बाद सोलर पावर का स्थान आता है, एंड देन बायोमास का, ये सब हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, अगर हमारे पास 4 व्हीलर्स हैं तो हम उनको ना निकालें, इंडिविजुअल व्हीकल्स के जगह बाइसाइकिल्स का प्रयोग करें, पैदल चलें, हेल्थ के लिए भी अच्छा है ये, इससे एनर्जी भी सेव होगी और इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट भी ये पॉइंट काफ़ी कारगर है, और ये हमारे बस में हम कर सकते हैं। आई टोल्ड यू एज ए सिटीजन इट इज़ आवर ड्यूटी टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज फॉर आवर कंट्री एंड टू कीप देम अवेलेबल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़, तो जब हम पढ़ रहे थे कि हमें क्यों एनर्जी रिसोर्सेज को कंज्यूम करना चाहिए, और इंडिया एक लीस्ट इफिशियंट कंट्रीज में आता है, तो हम लोग पंखा चल रहा है तो चलते देना चाहते हैं, बल्ब जल रहा है तो जल रहा है, तो हमें जब यूज़ भी ना हो तो उन्हें बंद कर देना चाहिए, गाड़ी स्टार्ट किए हम खड़े हुए हैं, जब यूज़ भी नहीं तो उसे बंद कर देना चाहिए, आखिर उससे पेट्रोल पे तो असर पड़ेगा, पेट्रोल से एनर्जी जनरेट हो रही है आपके बाइक में, वो फॉसिल फ्यूल है। तो एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के तरीके हम अपना सकते हैं। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेज टू मेक इफिशियंट यूज़ ऑफ एनर्जी, हम पावर सेविंग डिवाइसेज का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इफिशियंट एनर्जी का यूसेज हो सके। अब उदाहरण के लिए जब आप डिफरेंट स्टार लेवल्स देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, वो पावर एफिशिएंसी को ही इंडिकेट करते हैं। जैसे आप फ्रिज खरीदने जाते हैं, अब फ्रिज में अगर ये स्टार्स बने हुए हैं, या फैन लेते हैं स्टार्स बने हुए हैं, तो बताते हैं कि कितनी एनर्जी इफिशियंट वो कंज्यूमर आइटम है। इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, हम घरों पर सोलर पैनल लगा सकते हैं, सोलर एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो निश्चित है कि जो फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका यूज़ हम कम करेंगे, इससे हमारा इलेक्ट्रिक बिल भी कम आएगा और हमारे
पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी यूज्ड, लाइक सोलर है एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल है, जियोथर्मल एनर्जी है, जिसमें से ये तो हमारे हाथ में है, ये भी हम कर सकते हैं। टाइडल एंड जियोथर्मल एनर्जी को मान लीजिए कि हम नहीं अवेल कर सकते हैं क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी अभी इतनी आसान हमारे पास इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है, लेकिन हम सोलर प्लांट तो इंस्टॉल कर ही सकते हैं। रूरल एरियाज में बायोगैस का यूज़ हो सकता है, इससे क्या है फायरवुड और डंग केक्स के यूसेज पे कमी आएगी, इससे हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनकी लाइफ पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। और दूसरा जो डंग केक्स हैं, तो जो गोबर होता है गाय का भैंस का जानवरों का, वो मैन्योर के रूप में यूज़ किया जा सकता है। और बायोगैस में भी मैन्योर जनरेट होती है जब कैपेसिटी खत्म हो जाती है गैस जनरेशन की, जो ऑर्गेनिक मटेरियल बायोगैस प्लांट में उसके वेल में डाला जाता है, तो वो वेस्ट के रूप में जो निकलता है तो एक अच्छा खासा मैन्योर बन चुका होता है, गुड क्वालिटी मैन्योर विच कैन बी यूज इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स। तो बहुत ही चार्मिंग है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूसेज, उसे किया जा सकता है और उसके लिए विल ऑफ द पीपल और जनरल अवेयरनेस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए हमारा आखिरी पॉइंट एजुकेशनल अवेयरनेस अमंग वन एंड ऑल, तो जो स्कूल लाइफ को बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स हैं उनकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो पढ़ते हैं। वर्ल्ड लेबर पे स्टूडेंट्स के नेम हमको पढ़ने को मिलते हैं, किस प्रकार से वो इन्वायरमेंटली कंसर्न लेटर्स लिखते हैं अपने लीडर्स को। तो एजुकेशनल अवेयरनेस अमंग वन एंड ऑल टू मेक देम सेंसिटिव टूवर्ड सेविंग एनर्जी, क्योंकि आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो ये मोटो हमारा होना चाहिए और हमें इसको फॉलो भी करना चाहिए। और बिट बाय बिट कंट्रीब्यूशन करने से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बनता है। फॉर एग्जांपल, जहां पर वाटर अवेलेबल नहीं है, पीने का शुद्ध पानी इनसफिशिएंट है, उनसे पूछे क्या उपयोगिता है वाटर की। हम एक गिलास पानी लें और उसमें से आधा पानी पिए और आधा फेंक दें कुल्ला करके, तो आपने वेस्टेज किया। आप आधा ही गिलास भरते और आधा गिलास ही पानी पीते तो जो आप आधा गिलास आपने फेंक दिया उसकी तो बचत होती। आप घर से बाजार निकलते हैं, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, वॉकिंग करते जाइए, सब्जी लेके आइए। अगर आप गाड़ी लेके जाएंगे आएंगे, मान लीजिए कि सिर्फ आपका 100 ग्राम ही पेट्रोल खर्च हुआ आने जाने में, अगर आप वॉक करते हुए जाते हैं तो 10 डेज में 1 लीटर के लगभग होगा और 1 महीने में 3 लीटर बनेगा। इससे मनी भी बचत होगी और ये जो 3 लीटर सेव हुआ है ये इंडिया के एनर्जी रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में भी एक हेल्प होगी हमारी तरफ। तो इसी मैसेज के साथ कि वी शुड ट्राई टू कंट्रीब्यूट आवर बिट इन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ट्राई टू अडॉप्ट सस्टेनेबल पाथ ऑफ डेवलपमेंट, यूज़ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। तो इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। आई होप कि वीडियो से आपको लाभ जरूर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।